अब तो आईपीएल हो गया ना, गरीब गरीब घर का लड़का खेल रहा है ना क्रिकेट, 10-10 करोड़ रुपया, 15-15 करोड़ रुपया मिल रहा है। आपके पास कोई ग्राउंडे नहीं है, कहाँ खेलिएगा रे भाई? आपके सांसद कोई बातें नहीं पता होगा? नहीं, हम यही तो चाहते हैं कि हम कब तक खेत जोतेंगे, कब तक हल चलाएंगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसान नेता थे, कहते थे कि किसानों का एक नज़र खेत पर और दूसरा नज़र संसद पर होना चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा संसद जाए, नौकरी में जाए, आईएएस बने, कलेक्टर बने, बिजनेसमैन बने। इसका रास्ता संसद से जाता है। मुन्ना शुक्ला को इसलिए सांसद बनना है कि उस पर जो FIR है वो खत्म हो जाए और उसकी गुंडाई चलती रहे। अब बीना देवी जी को इसलिए सांसद बनना है कि वो जो माल बटोर के रखे हुए हैं 200 करोड़, वो बचा रहे। हमको इसलिए सांसद बनना है कि हम आपके लिए स्कूल, अस्पताल, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल की स्थिति ठीक करे, ताकि सबका जो गरीब का बच्चा है वो कल पढ़ाई लिखाई करे, बिजनेस करे और देश भर में नाम कमाए। आप लोग सोच लीजिए कि किसके साथ खड़ा होना है। ब्लॉक का स्कूल, ब्लॉक, आज जो सोचिए IPL में गरीब गरीब का बच्चा खेल रहा है, आपके ब्लॉक में, आपके जिला में कोई बढ़िया स्टेडियम नहीं है। अब तो IPL हो गया ना, गरीब गरीब घर का लड़का खेल रहा है ना क्रिकेट, 10-10 करोड़ रुपया, 15-15 करोड़ रुपया मिल रहा है। आपके पास कोई ग्राउंडे नहीं है, कहाँ खेलिएगा रे भाई? आपके सांसद कोई बातें नहीं पता होगा? तो आप लोग नया लड़का है, सोचिए समझिए। और वैशाली की सबसे बड़ी बात है, वैशाली से किसी गुंडा मवाली को मत चुनिए रे भाई, वैशाली का अपमान है ये। वैशाली को दुनिया, आप और हम न माने, दुनिया मानती है। अभी किताब लाइए जरा, गौरवशाली वैशाली, अभी मुझे किसी आदमी ने किताब दी, आप ही के समाज का किसी लड़के ने, प्रोफेसर ने लिखा है। आप सोचिए, वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, जहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ, वहाँ एक ऐसे आदमी को वोट दीजिएगा जो सीधे सीधे गुंडई की बात करता है, वो क्या बोलेंगे संसद में? उनको संविधान का 4 लाइन नहीं पता होगा। उनका काम है जमीन कब्जा करना, अभी भी केस चल रहा है, जमानत नहीं मिली अभी लोअर कोर्ट से। एक वो है मैडम बीना देवी, महिला हैं इसलिए उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। वो जे पार्टी में थी उसी पार्टी का परिवार तोड़ दिया उन्होंने। मुन्ना शुक्ला को इसलिए सांसद बनना है कि उस पर जो FIR है वो खत्म हो जाए और उसकी गुंडाई चलती रहे। अब बीना देवी जी को इसलिए सांसद बनना है कि वो जो माल बटोर के रखे हुए हैं 200 करोड़, वो बचा रहे। हमको इसलिए सांसद बनना है कि हम आपके लिए स्कूल, अस्पताल, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल की स्थिति ठीक करे, ताकि सबका जो गरीब का बच्चा है वो कल पढ़ाई लिखाई करे, बिजनेस करे और देश भर में नाम कमाए। आप लोग सोच लीजिए कि किसके साथ खड़ा होना है। वो 10-10 गो 20-20 गो गाड़ी लेकर आएगा, धूल उड़ाएगा, 1 महीना आपको खिलाएगा पिलाएगा, आपको गाड़ी भेजेगा, रैली में भेजेगा, अब 5 साल फरार रहेगा। जो 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो तो 100 करोड़ कमाएगा ना चाचा, हैं? जो 100 करोड़ लगाएगा वो तो 200 करोड़ निकालेगा। तो ये लोग तो टिकटें लेके आए हैं 50-50 करोड़ में, खर्चा करेगा 20-20 करोड़, तो कहाँ से वसूलेगा? आज 1 महीना आपके पीछे दौड़ेगा, आप 5 साल आपको आपके उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो आप लोग तय कर लीजिए कि हमारा ऐसा लड़का चाहिए जिसका कारण पकड़ के आप कह सकते हैं तुमको वोट दिए थे, काम करो, या उसके सामने जाइएगा। आप 75 साल से कोई दलित बैकवर्ड यहाँ नहीं चुना, बिरसिन पटेल भी हारे, ये लोग के दिमाग में बैठा दिया। अरे 100, अभी बिहार में जाति जनगणना ना हुआ है, 100 में 90 वोट हमारा ना है। आप गौरी घोड़ा से चुनाव जीते के होता ही रहा तो टाटा के तो गौरी के फैक्ट्री है, वही प्रधानमंत्री बन जाते रहे, अंबानी बन जाते रहे, ओकरा से ज्यादा रुपया केकरा है? नहीं, हम यही तो चाहते हैं कि हम कब तक खेत जोतेंगे, कब तक हल चलाएंगे। चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसान नेता थे, कहते थे कि किसानों का एक नज़र खेत पर और दूसरा नज़र संसद पर होना चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा संसद जाए, नौकरी में जाए, IAS बने, कलेक्टर बने, बिजनेसमैन बने। इसका रास्ता संसद से जाता है। पैसा जो लगा के चुनाव जीतेगा वो पैसा कमाएगा, जो आंदोलन से आएगा वो आपके लिए काम करेगा। मायावती जी कौन गरीब घर अमीर घर में पैदा हुई थी? गरीब घर में पैदा हुई थी और उन्होंने यूपी में कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, बैकवर्ड दलित को नौकरी दिया, भरभर टोकरी। तो कह रहा हूँ ये कि वैशाली में 75 साल बाद आप लोग के पास मौका है। वैशाली में सिर्फ जनरल का आदमी ही नहीं जीतेगा, वैशाली में 90% बैकवर्ड दलित है, अल्पसंख्यक है, बैकवर्ड के बेटा को चुनाव जिताइए, जे गाय पालेगा वही दूध खाएगा। और हम चुनाव लड़ने आए हैं ताकि आपके बच्चों के लिए नौकरी का रास्ता खुले, आपको स्कूल, अस्पताल, आपका जिला लेवल पर ठीक हो, प्रखंड लेवल पर ठीक हो। तो हम लोग हाथी साहब से चुनाव लड़ रहे हैं,
और ये चुनाव लड़ रहे हैं कि दलित पिछड़ा गरीब के बेटा संसद जाए। और जो पैसा ठीक कह रहे हैं भाई साहब, जो पैसा का खेला बेला कर रहा है, जो 50-50 करोड़ रुपया में टिकट खरीद के लाया है, उसको हराइए और गरीब आपके बीच का आदमी को चुनिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।